नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, वैलियंट ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स और विनेती ऑर्गेनिक्स। तो हम देखेंगे इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे और screener.in के माध्यम से इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो फाइन और लेके ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है और ऐसा क्यों है, आइए उसके हम रीजन को पढ़ते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स है, लीडिंग प्रोड्यूसर है फूड्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, इन सब के लिए, और ओलियो केमिकल बेस्ड फूड भी बनाती है। और जो एक बहुत बड़ी न्यूज आई है वो ये है कि जॉइंट वेंचर फैसिलिटी ये लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं, ओलियो फाइन ऑर्गेनिक्स थाईलैंड कंपनी, जो कि एक अच्छी न्यूज है। अगर मैं screener.in के माध्यम से इनका एनालिसिस करूं तो देखिए, इनकी मार्केट कैप है 8000 करोड़ के आसपास, क्रॉड्स की करंट प्राइस है 2800 और जो कि अपने वो 52 वीक हाई जो कि 3500 के पास है उससे काफी कम है। स्टॉक का पीई लेकिन काफी हाई है 68, बुक वैल्यू 9 के हिसाब से है, डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं, लेकिन आरओसी और आरओई देखिए क्या बढ़िया है, 21% और 17%। तो इन सब देखेंगे तो फंडामेंटली स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अच्छी चीज देखिए कि कंपनी में डेप्थ रिड्यूस कर ली है, डेप्थ फ्री है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका काफी बढ़िया चल रहा है। एक इन्होंने ये दिखाया है कि बुक वैल्यू से अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप देखेंगे सारे अच्छे स्टॉक्स इस आपको बुलिश मार्केट में एक्सपेंसिव ही दिखेंगे। पीयर कंपैरिजन अगर मैं करूं दोस्तों, तो इनका आरओसी देखिए किन के आसपास है, इससे अच्छा किसका किसका है, पीडी लाइट का है, दीपक नाइट्राइट का है, एल्काइल एनामाइंस का है ज्यादा, और टाटा केमिकल्स का देखिए केवल 4 है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, मीडियम लेवल की कंपनी है और अभी क्योंकि प्राइस इसकी बहुत अच्छी है तो आप इसमें बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि काफी ये गिर चुका है अपनी टॉप पीक से। तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए करीब 2700 रुपीज का और टारगेट हम रखेंगे इसमें 3100 और 3600 के। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इस स्टॉक में बेहतरीन है और ये देखिए ये स्टॉक अभी अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास है। आइए वैलियंट ऑर्गेनिक्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो यहां पे देखिए उनकी सेल्स 163 से बढ़ के 184 करोड़ हुई है, बहुत ज्यादा इसमें स्टैंड अलोन फिगर्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंक्रीज इनकी सेल्स में नहीं हुआ है। और आप देखेंगे अगर ओवरऑल इनका मार्केट कैप केवल 3500 करोड़ है, इनका भी आरओसी और आरओई काफी सही है, डिविडेंड यील्ड इनकी भी कुछ खास नहीं है और स्टॉक का पीई अभी काफी कम है, मात्र 30 का है। तो इससे पता चलता है कि स्टॉक हमें अभी काफी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। और अगर मैं इनके रीसेंट रिजल्ट्स की बात करूं तो इनकी सेल्स 184 करोड़ थी जैसा मैंने आपको बताया, और जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इन्होंने 65% की ग्रोथ दिखाई थी, तो ये दोस्तों अच्छी खबर है। और स्टॉक लेकिन काफी गिर चुका है, 1800 का स्टॉक आज 1300 के पास आ चुका है, अब इस एक अच्छे सपोर्ट पे भी खड़ा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1250 रुपए का, बहुत ही छोटा सा 2% से ज्यादा का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट्स देखिए इसमें हमारे क्या हो सकते हैं, 1400, 1600, 1800, तो आप 2% के स्टॉप लॉस के संग इसमें 20 से 25% तक की इनकम को एम कर सकते हैं अगले 6 महीने में। स्टॉक में फंडामेंटली कोई हमारी कमी नहीं है। विनेती ऑर्गेनिक्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो आज काफी ब्रोकर्स ने इसको टारगेट्स दिए हैं जिसको हम एनालाइज कर ले। सीडी इक्विटी रिसर्च ने 1639 का टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने देखिए 2300 रुपए का टारगेट दे दिया है, वाह भाई वाह। और देखते हैं मोतीलाल ओसवाल जी ने 2200 का टारगेट दे दिया है, तो बहुत ही बड़े बड़े टारगेट इसको मिले हैं। कंपनी को अगर मैं एनालाइज करूं दोस्तों तो कंपनी डेप्थ फ्री है जो कि एक अच्छी चीज है, आरओई कंपनी का सही है, हेल्दी डिविडेंड देखिए इनका 17% के आसपास का डिविडेंड देती है, तो कुछ नहीं तो आप इसको एक एफडी की तरह ही इन्वेस्टमेंट मान लीजिएगा। लेकिन कॉन्स क्या है, ये एक काफी बड़ा कॉन्स है कि कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं रही है, केवल 8.63% रही है, तो 20% के ऊपर करीब करीब अगर सेल्स ग्रोथ रहती है तो हम कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। मार्केट कैप में देखूं तो 18000 करोड़ की कंपनी है, तो उन तीनों कंपनियों में सबसे बड़ी यही है।
बुक वैल्यू अभी 150 के आसपास है, स्टॉक का पी 66 है, आरओसी आरओई इसका भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, कोई ऐसा मेजर कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। आरओसी यहाँ पे देखेंगे नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी से इसका आरओसी थोड़ा सा ज्यादा है, आरती इंडस्ट्री जो कितना भागा हुआ स्टॉक है उससे भी ज्यादा है इसका आरओसी। तो अब चार्ट पे अगर मैं देखूं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का चार्ट कितना बढ़िया, एकदम अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न दिए है इसने लोगों को। सोचिए 200 रुपए का स्टॉक आज आपका 1800 के आसपास है, मतलब इसने चार से पांच साल में आपका पैसा 9 से 10 गुना कर दिया है। जहां पे कि लोग कहते हैं कि 4 से 5 साल में आप अपना पैसा अगर डबल कोई स्टॉक कर रहा है जैसे कि डाबर या आईटी स्टॉक्स, तो वो लोग इस स्टॉक को अच्छा मानते हैं, इसने तो आपका पैसा 9 गुना कर दिया है। तो सोचिए कितना अच्छा स्टॉक है ये। अगर इसमें अब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ डेली चार्ट पे। तो ये देखिए ये स्टॉक भी काफी करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए 2100 से गिर के अब करीब 1700 के आसपास आ गया। तो इसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 1725 के पास का, यहाँ पे देखिए ये सही लेवल रहेगा 1725 के पास का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट हमारे रहेंगे इस पे 2000 के। तो तीनों ही केमिकल स्टॉक्स में अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसमें से किसी एक स्टॉक को कंसीडर कर लीजिएगा जो आपको सबसे पसंद आता हो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।